दोस्तों एक टीचिंग अड्डा में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लिया है साइंस जनरल नॉलेज। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव आउटर शेल। अधिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से तत्वों के किस समूह में तत्व हैं, कितने तत्व हैं दोस्तों, 16, 17, 18, 15 ग्रुप। आपका आंसर है दोस्तों 18 ग्रुप। दोस्तों आपका सही आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एन सर्कुलर पाथ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर कॉल्ड। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर केंद्र को लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, सिंपली फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स या एंगुलर फोर्स। आपका आंसर दोस्तों बी सही है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट कॉल्ड, गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है दोस्तों, वेट मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वजन मास या वेग या त्वरण। आपका आंसर दोस्तों पहला सही है, वजन वेट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डू टू विच इट इज सो रिस्पॉन्डेबल प्लांट है प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी, पौधे के लचीलेपन का कारण किस गुण के कारण होता है दोस्तों, कोलोन काइमा, स्क्रेलम काइमा, स्क्रेलम फोलेम। आपका पहला आंसर है दोस्तों कोलेन काइमा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द रेजिस्टेंस कंडक्ट वाज डज नॉट डिपेंड विद द फॉलोइंग, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है दोस्तों, लेंथ या मास, एरिया क्रॉस सेक्शन या प्रेशर पर, लंबाई या मास या सेक्शन या दबाव पे। ये आपका दोस्तों दबाव पे पड़ता है आंसर, आपका डी आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच मेटल रिएक्ट द वाइपर फ्रॉम मेटल ऑक्साइड इन हाइड्रोजन, कौन सी धातु वाष्प के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है दोस्तों, वो है दोस्तों एल्युमिनियम। दोस्तों आपका आंसर भी सही है दोस्तों, एल्युमिनियम साथ बनाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, किसके माध्यम से दोस्तों ध्वनि सबसे तेज गति चलती है, गैस में, लिक्विड में, ठोस में या वैक्यूम में, मतलब गैस, लिक्विड, सॉलिड, वैक्यूम, सबसे तेज ध्वनि चलती है दोस्तों सॉलिड में, ठोस में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, कौन सा पदार्थ ठोस, तल, तरल और गैस तीनों के माध्यम गुजर सकता है दोस्तों, मेटल, नॉन मेटल, मेटालोलिड या इनर्ट गैस। आपका ऑप्शन दोस्तों नॉन मेटल, अधातु से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट कलर डज ए नेचुरल सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस इनटू, लाल लिटमस किस रंग में बदल सकता है, ब्लू, ग्रीन, रिमाइंड अनचेंज या दोस्तों वायलेट। आपका दोस्तों पहला आंसर सही है, ब्लू में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सब्सटेंस विच द हीटिंग डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड, वह पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। आपका आंसर है दोस्तों बी, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपतन। आपका आंसर भी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच एलिमेंट इज फाउंड लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान के तरल अवस्था में पाया जाता है, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, मर्क्यूरी। दोस्तों आपका आंसर दोस्तों मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, बुध, ये जो है कमरे के रूम के टेम्परेचर बराबर पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द मेटर स्प्रेडिंग द मिक्सर ऑफ शुगर एंड साल्ट कॉल्ड, चीनी और नमक के मिश्रण को अलग करने वाली विधि क्या कहते हैं दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन सब्लिमेशन, फेरमेनेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। आपका आंसर दोस्तों सी सही है, क्रिस्टलीकरण।
क्रिस्टलीकरण दोस्तों, क्रिस्टलीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच साइंटिस्ट डिस्कवर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों, रदरफोर्ड आपका पहला आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द फू, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।